नमस्कार आदाब मैं हूं कपिल का काटपाल स्वागत है आप सभी का मेरे डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ ऑफ द हिंदू एंड अदर सोर्सेज में में दिस इज नवंबर नवंबर 2022 2022 आप सभी का स्वागत है दो दिन शेष हैं आपके आई पीओ मेंस एग्जाम के लिए उम्मीद करता हूँ आपकी अब तक अच्छे से तैयारी कर चुके होंगे रिविजन बहुत अच्छे से कर चुके होंगे बस अब आखिरी दो दिन में कुछ ज्यादा बर्डन मत लेना माइंड में ओके जितना किया है उसी को करते रहना उसी के क्विज़ फॉर्मेट में आप करने की कोशिश करना जितने भी क्विज़ लगा सको लास्ट मोमेंट पे उतने ज़्यादा क्विजेज लगाओ जहां से भी लगा सको जिस भी वेबसाइट से लगा सको जहां पर भी फ्री में कोईजेज अवेलेबल हैं वहां पर आप क्विजेज लगा सकते हो राइट ओके सो दो दिन में बस यही करना है बाकी कल तो ऑलमोस्ट काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे होंगे हो सकता है काफ़ी आज लोग भी ट्रैवल करें कल काफ़ी लोगों का एस बी ए क्लर्क का भी एग्ज़ाम है खैर इस बार थोड़ा सा अजीब सा माहौल है कि प्रिलिम्स और मेंस एग्जाम बहुत ज़्यादा क्लैश हो रहे हैं लास्ट ईयर ऐसा नहीं था लास्ट ईयर इतना ज्यादा क्लैशिंग नहीं हुआ था लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा क्लैशिंग हो रहा है तो इसी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है करंट अफेयर्स को देखना भी छोड़ चुके हैं पहले सिचुएशन ऐसी आती नहीं थी पहले एटलीस्ट देख लेते लेकिन इस बार माहौल कुछ पता नहीं क्या है करंट अवेयर्स देखना भूल ही गए हैं काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ बच्चे करंट अफेयर्स पढ़ ही नहीं रहे आई डोंट नो वाई प्रिलिम्स एग्जाम की टेंशन है या प्रिलिम्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं या क्या सोच है चलिए एनी जो भी है करना तो बाद में पड़ेगा ही पड़ेगा है ना इस बैटर की डेली बेसिस पर अच्छे से करते रहे नहीं तो बाद में एकदम से बोझ बढ़ जाता है, है ना करने का चलिए जो भी नया बच्चा जुड़ा है ऐट द रेट के कार्ड पर सर्च करके मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि आपको मेरे क्लासेस की अपडेट्स एंड सारी की सारी पी मिल जाए पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं पहली न्यूज़ आई है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से जी ट्वेंटी नेशन्स की जो मीटिंग है अगले वर्ष हमारे भारत में आयोजित होने वाली है न्यू दिल्ली में होगी उसी तरह से यहाँ पर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी एक मीटिंग यहाँ पर हमारे इंडिया में ही होने वाली है जिसकी प्रेसिडेंसी इंडिया को दी जा चुकी है यहाँ पर और अब फिलहाल इंडिया ने उससे संबंधित आपकी कुछ चीजें जारी करी ये है हाँ आपका इंडिया ने लॉन्च किया इससे संबंधित आपकी एक ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस कॉरपोरेशन नेक्स्ट एस सी जो है वो इंडिया में 2023 में होगी और इसकी थीम रखी है फॉर अ सिक्योर एस सिक्योर एस सी और इसकी जो थीम रखी गई है इसमें जो सिक्योर शब्द है इसका एक पूरा का पूरा मतलब आता है जिसमें एस का मतलब है सिक्योरिटी ई e का मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट सी से आप समझते हैं कनेक्टिविटी इन द रीज़न यू फॉर यूनिटी आर फॉर रिस्पेक्ट ऑफ सॉवरनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड ई फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ये यहाँ पर आपका सिक्योर का पूरा का पूरा मतलब है बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसका फुल नेम एग्जाम जो एस जो ओ की प्रेजिडेंसी मिली है उजबेकिस्तान ने उजबेकिस्तान में हाल ही में ही एस मीटिंग जो थी वो समाप्त हुई थी समरकंड नाम की जगह है उजबेकिस्तान में वहां पर ये हुई थी एंड इंडिया यहां पर सेप्टेंबर में ही एस की मीटिंग करने वाला है अगले वर्ष ओके सो तो यहां पर एक्साम पॉइंट से क्वेश्चन क्या बनेगा ये बनेगा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है इसके स्टैटिक फैक्ट के बारे में पूछा जा सकता है ठीक है इसके अलावा अभी हाल ही में मीटिंग कहां पर हुई है समरकंड कजाकिस्तान में सॉरी उज्बेकिस्तान में ये मीटिंग हुई है अगली मीटिंग कहाँ पर हो रही है 2023 की भारत में हो रही है यहाँ पर सितंबर में हो रही है इसकी थीम मुझे बहुत अच्छी लग रही है और थीम में से क्वेश्चन बड़ा प्यारा एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है वो बन सकता है जो इसकी थीम है सिक्योर नाम से उस सिक्योर का पूरा नाम एग्जामिनर पूछ सकता पूछ सकता है ई e का मतलब क्या है सी का मतलब क्या है आर का मतलब वट है ना जो भी उसके माइंड में है तो ये वाला बड़ा अच्छे से याद कर लेना सिक्योर का पूरा नाम ठीक है secure का पूरा नाम आप अच्छे से याद रख लेना ठीक है ओके okay. uh, वाला ओके okay. चल आगे आगे चलते हैं हम अगली खबर पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आ, हाल ही में एक डिसीज़न लिया और उस डिसीजन में उन्होंने जो वहाँ के पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन को उन्होंने डबल कर दिया पेंशनर्स पेंशनर्स और किन की पेंशनर्स ये पेंशनर्स हैं आपके जो फ्रीडम फाइटर्स हैं फ्रीडम फाइटर्स की जो पेंशन मिलती थी पहले दस हजार रुपये महीने की मिलती थी अब उनकी पेंशन को बीस हजार रुपये महीना करने का फैसला लिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दोज इन आई थिंक अब हो गया होगा सही हम्म ठीक है सो so मैं यही कह रहा था कि दस हजार से बीस हजार किया है बस आपको इतना ही याद रखना है इसमें ठीक है आ, दस हजार से बीस हजार राइट और कौन से स्टेट ने किया महाराष्ट्र ने किया फ्रीडम फाइटर्स के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने भी हाल ही में अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस से लागू किया था एनपीएस दिवस एक अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है और एक पेंशन इंडेक्स भी 2022 का रिलीज किया गया था जिसमें यहां पर इंडिया की रैंकिंग 41 आई थी ठीक थी। है इस तरह से यहां पर न्यूज कुछ पेंशन से संबंधित न्यूज रिसेंट में इंडिया की यहां पर शिकस्त के बाद टी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में जो हाल ही में आयोजित किया गया था जिसको यहाँ पर इंडिया को यहाँ पर सेमीफाइनल में हार का सामना देखना पड़ा इंग्लैंड से और फाइनली इंग्लैंड ने भी यहाँ पर फाइनल में पाकिस्तान को हरा कर आई टी वर्ल्ड कप इस वर्ष का जीता जिसके बारे में हमने कुछ दिन पहले बहुत सारी न्यूज़ के ऊपर चर्चा भी की थी बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी वो और उसी को देखते हुए यहाँ पर ये एक कारण दिया गया कि जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन कमेटी है जो खिलाड़ियों को चुनती है कि कौन कौन खिलाड़ी यहाँ पर खेलेंगे उस सिलेक्शन कमेटी पर यहाँ पर आपकी यहाँ पर गाज गिरी और उनको यहाँ पर खारिज कर दिया गया निरस्त कर दिया गया है और नई सिलेक्शन कमेटी यहाँ पर उसके लिए एप्लीकेशन इन्वाइट किए गए हैं जो भी लोग इसमें एलिजिबल रहेंगे उनको कहा गया है कि उनको फॉर्म फिल करना है जो भी इनके एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको फिल करना है और उनको यहाँ पर पुरानी सिलेक्शन कमेटी को यहाँ पर डिजोल्व कर दिया गया है चार मेंबर की कमेटी थी इसके जो हेड थे वो यहाँ पर चेतन शर्मा थे जिनकी पिक्चर आप मेरे पीछे देख सकते हैं और इसके अलावा चेतन शर्मा जी के अलावा सुनील जोशी हरविंदर सिंह और देवाशीष मोहंती ये सारे के सारे आपके सिलेक्शन कमेटी में शामिल थे ये आपके चार मेंबर होते हैं चीफ सेलेक्टर जिसमें चेतन शर्मा है राइट सो एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन कि हाल ही में कौन है हमारे इंडिया के बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर क्रिकेट के जिनको यहाँ पर डिजोल्व उनके जो हेड हैं और उनकी कमेटी को डिजोल्व किया गया सिलेक्शन कमेटी को राइट right आंसर चेतन शर्मा रहेगा और इसके अलावा इनके नाम भी पूछ सकते हैं सुनील जोशी काफी एक स्पिनर थे हरविंदर सिंह भी और देवाशीष एक फास्ट पेसर थे ठीक है तो ये इनके नाम भी आपको याद रखने हैं ये चारों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे बीसीसी ने चार मेंबर की इस कमेटी को डिसॉल्व कर दिया है अगली खबर पे चलते हैं ओके थर्टींथ बायोलिट्रल नेवल एक्सरसाइज uh, नसीम अल बहर 2022 हजार बाईस सो नसीम अल बहर 2022 नाम की एक एक्सरसाइज यहाँ पर नेवल एक्सरसाइज है ये यहां पर शुरुआत हुई है कहां पर ओमान में ओमान में इसकी शुरुआत हुई है यहां पर नसीम अल बहर 2022 बाईस की द इंडियन नेवी जिसमें यहां पर पहुंचा वहां पर आई एन त्रिकांत और ओवश्योर पेट्रोल वेसल सुमित्रा सो so, सुमित्रा नाम का और त्रिकांत नाम के जो आई है नेवल शिप जो है त्रिकांत और ऑफशोर ऑफशोर वे, वेसल जो है वो आपका सुमित्रा नाम का ये दोनों वहां पर पहुंचे हैं एंड ये किस लिए पहुंचे हैं नसीम अल बहर 2022 एक्सरसाइज किसके साथ ओमान का साथ हो रही है ओमान ओमान आपकी जो कंट्री गल्फ नेशन वन ऑफ द गल्फ नेशन यहाँ पर खाड़ी देश जिसको कहते हैं हम जहाँ पेट्रोल वेट्रोल ज़्यादा होता है, है ना क्रूड ऑयल वगैरह नसीम अल बहर ये याद रख लेना और ओमान है बस इसमें दो ही चीजें याद रखने वाली हैं नसीम अल बहर ओमान और हाँ त्रिकांत और, और सुमित्रा का नाम त्रिकांत और सुमित्रा का नाम ये भी आपसे पूछा जा सकता है मस्कट इसकी राजधानी है अनुमानी रियाल वहां पर चलता है करेंसी के फॉर्म में अगली खबर चलते हैं सर्दर्न वेस्टर्न कमांड ने यहां पर कंडक्ट किया इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज राजस्थान में राजस्थान में यहां पर थार्ड डेजर्ट एरिया में उन्होंने एक शत्रुनाश करके एक एक्सरसाइज कंडक्ट की वेस्ट साउथ वेस्टर्न कमांड ने साउथ वेस्टर्न कमांड ने ये एक्सरसाइज यहां पर कंडक्ट की है इंडियन आर्मी के द्वारा ये कंडक्ट की गई एक्सरसाइज है सो एग्जाम पॉइंट से सिंपल सा क्वेश्चन इंडियन आर्मी के साउथ वेस्टर्न कमांड ने हाल ही में एक एक्सरसाइज कंडक्ट की दैट इज इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज उसका नाम क्या था शत्रुनाश उसका नाम था या फिर यह भी पूछ सकते शत्रुनाश किसके द्वारा की गई है साउथ वेस्टर्न कमांड के द्वारा कहां की गई है यह भी इंपॉर्टेंट है थर्ड डेजर्ट में किया गया है आपके राजस्थान में थर्ड डेजर्ट में यहां पर किया गया है आपके राजस्थान में ये आपके कुछ मैंने यहां पर लिखे हैं आपके जैसे ये साउथ वेस्टर्न कमांड है उसी तरह से इंडियन आर्मी के सारे के सारे कमांड एरियाज होते हैं लाइक द एक हेडक्वार्टर है सेंट्रल कमांड है जो कि लखनऊ में है ईस्टर्न कमांड कोलकाता में है नॉर्दर्न कमांड उधमपुर में सर्दर्न कमांड यहाँ पर पुणे में है, है। यानी कि जो मैं इसकी बात कर रहा हूं साउथ वेस्टर्न कमांड की वो साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर में है अब आप क्योंकि सर साउथ वेस्टर्न जयपुर में जयपुर में ऑब्वियस है क्योंकि बॉर्डर लगता है वहां पर ठीक है वेस्टर्न कमांड चांदी मंदिर में है और आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला में है ठीक है तो ये यहां पर आपके इनके नाम मत याद रखना ये जरूरत नहीं है इनके नाम याद रखने ठीक है जस्ट नीड टू रिमेंबर और ये भी याद करने की आवश्यकता नहीं है मतलब ये जस्ट एक नॉलेज पॉइंट ऑफ स्लाइड है इतना रटने की जरूरत नहीं है ठीक है मैंने मार्क कर दिया कहीं बाद में रटते रहो हाँ ये जयपुर वाला जरूर याद रख लेना आगे चलते हैं जम्मू कश्मीर रूरल लिवलीहुड मिशन ने साइन किया एक एमओयू ई कॉमर्स फॉर मीशू के साथ मीशू आपने नाम डेफिनेटली सुना होगा खासकर गर्ल्स ने तो डेफिनेटली सुना होगा क्योंकि ये एक शॉपिंग वेबसाइट है यहाँ पर उनसे मुतलक है ना और मीशू नाम की जो वेबसाइट है ई e कॉमर्स वैसे तो शॉपिंग करने के लिए फेमस है थोड़ी है ना लेकिन ई e कॉमर्स यानी कि सभी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध रहती हैं आपको यहाँ पर और जिस तरह से फ्लिपकार्ट और अमेजोन है उसी तरह की वेबसाइट है जम्मू कश्मीर रूरल लिवलीहुड मिशन उम्मीद ने यहाँ पर साइन किया है एक एमओयू मीशू के साथ जिसके तहत 1800 सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये इनके लिए लॉन्च किया गया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू लॉन्च एंड ग्रो देयर बिजनेस एंड पावर रूरल वीमेन एंटरप्रनियर्स ओके सो यहाँ पर 1800 सो सेल्फ हेल्प ग्रुप मीशू नाम की ये वेबसाइट है उम्मीद उम्मीद ये आपका यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर का एक मिशन है उम्मीद उसके साथ यहाँ पर टाइप हुआ है मीशू का तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनके द्वारा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो बनाया जाता है वो मीशू की वेबसाइट पर सेल किया जाएगा उनको अपलिफ्ट करने के लिए उनकी जो डेली बेसिस जो उनकी अर्निंग है उनको बढ़ावा देने के लिए राइट right, ओके okay. Uh, आगे चलते हैं ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक साहब ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना सो so, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना जो लॉन्च की गई है ये बेसिकली जो स्टेट के स्कूल्स हैं उनमें यहाँ पर एक कंपटीशन लाने के लिए इनमें क्या किया जाएगा इनमें जो स्कूल स्कूल्स हैं उनको यहां पर आपका अवार्ड दिया जाएगा उनको यहां पर फंडिंग दी जाएगी ठीक है और इसमें यहां पर आ, उनको 50,000 स्टूडेंट्स 1500 प्रिंसिपल स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एलिमिनी ग्राम पंचायत और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स इन सबको अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिया जाएगा और ये कैटेगरी में अवार्ड देने का मकसद ये है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं कितना बेहतर काम कर रहे हैं आपका एजुकेशन के फील्ड में ओके उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन है उनका एजुकेशन के फील्ड में जितना बेहतर कंट्रीब्यूशन होगा कुछ पैमाने रखे होंगे पैरामीटर्स रखे होंगे जिनके बेस पर यहाँ पर इसका आंकलन किया जाएगा और उसके बाद इनको मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना के तहत सम्मानित किया जाएगा कितनों को सम्मानित किया जाएगा नंबर्स यहाँ पर लिखे हैं पचास स्टूडेंट्स को पंद्रह प्रिंसिपल्स को स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को एल्मिनीस को एल्मिनी जो पहले पढ़ कर जा चुके हैं राइट right, और ग्राम पंचायत कि कलेक्टर की बात कर रहे हैं उनको भी यहां पर सम्मानित किया जाएगा राइट right, ओके okay. इसके अलावा यहां पर इन्होंने एक और लॉन्च किया दैट इज अरेंजमेंट डीजी लॉकर अरेंजमेंट किसके लिए लॉन्च किया जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है उन बच्चों के जो भी स्कूल सर्टिफिकेट्स होते हैं मार्कशीट्स होती हैं उनको डीजी लॉकर प्लेटफॉर्म के साथ लिंक किया जाएगा डीजी लॉकर प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ दिन पहले भी न्यूज़ आई थी आपकी ये डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म है एक एप्लीकेशन है बेसिकली जहां पर आप लॉग करके अपने जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं लाइक like वहां पर आपको आधार कार्ड अपना लिंक करना है तो आधार कार्ड से लिंक आपकी जो भी चीज़ें ऑटोमेटिकली फैच हो जाएंगी डीएल आप वहां पर रख सकते हैं आरसी वहां पर रख सकते हैं

और साथ ही साथ बहुत सारी चीजें टा, टाइम टू तो टाइम अपडेट की जा रही है वहां पर तो आपकी ऑटोमेटिकली उसमें अपडेट हो रहती है तो आपको कहीं पर भी डॉक्यूमेंट कैरी करने की जरूरत नहीं है सरकार ने यह कहा है कि डिजी लॉकर ओपन करके आप अपना डॉक्यूमेंट किसी को भी दिखा दीजिए तो वो भी एज अ वैलिड प्रूफ माना जाएगा जिस तरह से आप यहां पर फिजिकल डॉक्यूमेंट दिखाते हैं तो कहते हैं ना कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाइए तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है आप लॉकर ओपन करके उसको डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए दैट इज ऑल्सो वैलिड ठीक है तो यही डिजी लॉकर सर्टिफिकेट्स मार्कशीट उनके अदर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स इस लॉकर के साथ कनेक्ट किए जाएंगे और वो भी चीज अवेलेबल रहेगी तो एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना कौन से स्टेट की योजना है ओडिशा सरकार की योजना है डिजी लॉकर से कनेक्ट किया जाएगा बच्चों की स्कूल सर्टिफिकेट्स मार्कशीट एंड अदर एकेडमिक रिकॉर्ड्स को ये कौन सी सरकार का इनिशिएटिव है ओडिशा सरकार का इनिशिएटिव है जो ये पुरस्कार दिया जाएगा कितने कितने लोगों को दिया जाएगा पचास हजार बच्चों को दिया जाएगा पंद्रह सौ प्रिंसिपल्स को दिया जाएगा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट एलमिनी वगैरह वगैरह इन सबको दिया जाना है आई होप न्यूज समझ में आ गई होगी अगली न्यूज पे चलते हैं अगली खबर आई है यहां पर जी फोरकास्ट से जी फोरकास्ट यहां पर किया गया है 5.9 पॉइंट परसेंट फाइव पॉइंट नाइन परसेंट जीडीपी फोरकास्ट यहां पर दिया है गोल्डमैन ने गोल्डमैन नाम की जो कंपनी है ग्लोबल लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है आपकी काफ़ी फेमस बैंक है बहुत बड़ा यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आपका और इसने यहाँ पर ग्लोबल लेवल पे जो इंडिया कंट्री है उसका फोरकास्ट जो है वो थोड़ा सा कम कर दिया है पहले इन्होंने ज़्यादा किया था पहले इन्होंने कहा था कि इंडिया जो छः से ग्रो होगा अब इन्होंने कहा है कि इंडिया जो है पाँच से ग्रो होगा इन द कैलेंडर ईयर दो सो यहाँ पर बात की गई है कैलेंडर ईयर की ना कि फाइनेंशियल इग्री थोड़ा सा

बार बार क्वार्टरली बेसिस पर भी करंट अफेयर ये फोरकास्ट आते हैं जीडीपी डी के तो फिलहाल ये एनुअल फोरकास्ट है और कैलेंडर ईयर का यानी दिसंबर तक का इन्होंने कहा है दिसंबर तक यहां पर इंडिया की जो है जीडीपी जो है पाँच दशमलव नौ प्रतिशत हो जाएगी हाल ही में मूडी ने भी यहां पर 2023 का जो फोरकास्ट है वो चार पॉइंट आठ दिया अब दो का यहां पर जो फोरकास्ट है वो चार पॉइंट आठ वर्ल्ड बैंक ने भी यहां पर फाइनेंशियल ईयर का जो फोरकास्ट है वो छः पॉइंट पाँच दिया था ठीक है तो ये वर्ल्ड बैंक का है ये मूडी का है और ये आपका गोल्डमैन का है अमूमन क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी एजेंसी जी डी पी फोरकास्ट देती रहती हैं है ना तो मैं ऑलमोस्ट बहुत बार ऐसा होता है मैं नहीं कवर करता हूं जीडी फोरकास्ट बट कुछ ऐसी एजेंसीज हैं लाइक गोल्डमैन मूडीज आरबीआई हुआ आरबीआई के बारे में हमने दो दिन पहले न्यूज़ में आया था वर्ल्ड बैंक हुआ इनके जीडीपी फोरकास्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं और खैर ये जीडीपी फोरकास्ट अब पिछले दो तीन साल से एग्जाम में नहीं आ रहे हैं बीच में शायद एक बार आया था आई थिंक इस एग्ज़ाम में लेकिन जो एक पहले बहुत साल पहले इसका ट्रेंड हुआ करता था कि हर एक एग्जाम में चाहे क्लर्क हो पीओ हो साल में पांच एग्जाम है तो पांचों पांचों में डीबी का एक तो एक क्वेश्चन आ नहीं आना है लेकिन अभी कुछ आ नहीं रहे हैं क्वेश्चन खैर कंफ्यूजन क्योंकि रहता है क्योंकि बार 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 ये रेटिंग बहुत ज्यादा चेंज होती है फ्रीक्वेंट चेंज होती है मतलब पिछले महीने आप कुछ कहेंगे इस महीने कुछ कहेंगे फिर अगले महीने कुछ कहेंगे तो आई थिंक एग्जामिनर भी ये पता है कि हाँ इतना रिलेवेंट नहीं है और मैं कौन सा दूंगा और कौन सा बच्चा क्लिक करेगा बाद में कॉन्फ्लिक्ट होगा क्या बात है ना कोई स्टूडेंट कहेगा नहीं ये होना चाहिए था मैं कहूँगा ये होना चाहिए था मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा तो इट्स बेटर नॉट टू गिव सच काइंड ऑफ क्वेश्चन इन योर एग्जाम अगर मैं एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचू अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं ऐसा क्वेश्चन नहीं दूंगा वैसे तो ठीक है न्यूजीलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और उनका फैसला ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि न्यूजीलैंड में जो इलेक्शन करने की जो एक मिनिमम एज है वो 18 वर्ष से कम करके 16 वर्ष की जानी चाहिए क्योंकि न्यूजीलैंड में आई थिंक ऐसा कुछ है कि 16 वर्ष के लोग भी वहां पर ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं 16 वर्ष के लोगों को भी वहां पर बहुत सारी फ्रीडम दी दी गई हैं वहां पर काम करने की तो इसलिए उन्होंने कहा है जो वोटिंग राइट्स है वो अगर अट्ठारह वर्ष कर रहे हो तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है यहां पर आपका ये डिस्क्रिमिनेशन है उन लोगों के साथ जिनको आप सोलह साल में बहुत सारे राइट्स दे देते हो लेकिन अट्ठारह वर्ष का यहां पर वोटिंग राइट आप अठारह वर्ष में देते हो तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर आदेश दिया न्यूजीलैंड में कि यह जो एज है अठारह वर्ष की बजाय सोलह वर्ष हो जानी चाहिए ये पूरी की पूरी न्यूज जो मेरे पीछे लिखी है इसका जो संदर्भ है इसका जो निष्कर्ष है वो यही है जो मैंने अभी आपको बताया बस आपको इसमें इतना ही याद करना है कि कौन से देश के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वहां के लोगों की जो वोटिंग की एज है वोटिंग करने का अधिकार है जो एज है वो कम करके आपकी सोलह वर्ष कर दी है सोलह वर्ष का आदेश दिया है राइट आंसर उसका रहेगा न्यूजीलैंड दैट्स इट बस इसमें इतना ही यहाँ पर आपको याद करना है ओके चलो आगे चलते हैं आ, अनु गोयल अरुण गोयल सॉरी अरुण गोयल जी जो कि हाल ही में रिटायर ही हुए हैं इनकी रिटायरमेंट वैसे आनी थी लेकिन उन्होंने वीआरएस ले ली थी और ये अब रिटायर हो चुके हैं आई ए एस के पोस्ट से सिविल सर्वेंट थे और ये फिलहाल हैवी इंडस्ट्री जो डिपार्टमेंट है हमारा मिनिस्ट्री है उसमें सेक्रेटरी थे सचिव थे और इन्होंने अब जगह ली है अपॉइंट किए गए हमारे देश के इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमिश्नर हमारे देश में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उनके दो सहयोगी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं तो फिलहाल एक पोस्ट जो थी वो वैकेंट थी और वो आपकी भरी गई है अब अरुण गोयल जी से अरुण गोयल जी को यहां पर अपॉइंट किया गया है आपका अगले कुछ वर्षों तक और ये दिसंबर दो तक इस ऑफिस में रहेंगे दिसंबर दो सॉरी दिसंबर दो तक ये बने रहेंगे इस पोस्ट पर क्योंकि जो इलेक्शन कमिश्नर होता है वो यहां पर उसकी एज जो होती है वो सिक्सटी तक की हो सकती है आपकी ठीक है 65 या फिर आपका जो जाकर इस पोस्ट से तो फिलहाल इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए अरुण गोयल जी और साथ में जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार जी और साथ में है अनुप कुमार चौधरी जी ओके सो इन दोनों के अलावा अनुप चंद्र पांडे सॉरी मैंने गलत नाम बोल दिया राजीव कुमार और अनुप चंद्र पांडे जो है ये यहाँ पर फिलहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी से भी एक न्यूज हाल ही में आती हुई दो दिन पहले कि इन्होंने नेपाल में एज अ इंटरनेशनल ऑब्जर्वर वहाँ का इलेक्शन जो हुए थे उसमें एज एन इंटरनेशनल ऑब्जर्वर हमारे देश के राजीव कुमार जी गए थे और एक और न्यूज आती थी कुछ दिन पहले जिसमें एक का मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल लेवल पर एक जो इलेक्शन कमीशन है उनकी उसको भी यहां पर इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया था और वहां पर हेड भी किया था उसको ठीक है तो ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर और कौन अपॉइंट करता है इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं ठीक है ये भी पूछा जा सकता है हु अपॉइंट्स द इलेक्शन कमीशन द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द इलेक्शन कमिश्नर ठीक है ओके okay. तो ये यहां पर आए हैं एज द इलेक्शन कमिश्नर कन्फ्यूज़ मत होना है ना एक शायद बच्चा कन्फ्यूज़ भी हो रहा है बच्चे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अलग होता है और उनके नीचे दो इलेक्शन कमिश्नर काम करते हैं ठीक है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वही है दो इलेक्शन कमिश्नर में एक पहले थे आपके चौधरी जी और सॉरी फंडे जी और दूसरे अरुण गोयल जी हैं अगली खबर यहां पर गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है टेन्योर ऑफ ईडी चीफ संजय कुमार मिश्रा को एक साल के लिए संजय कुमार कम, आ, मिश्रा जी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए एक साल के लिए उनका कार्यकाल जो है फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है कार्यकाल ऑलरेडी उनका पहले भी एक्सटेंशन किया गया था और फिर से एक्सटेंशन किया गया था एक्चुअल बात यह है कि यहां पर भारतीय सरकार ने कुछ समय पहले एक ऐसा कानून पास किया था पार्लियामेंट के थ्रू उसमें यह कहा गया था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या फिर सीबीआई का जो हेड है उसको यहां पर उसका कार्यकाल जो है वो पांच साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है अर्लियर ये और जो होता था तीन साल का होता था अब इसको पांच वर्ष कर दिया गया था तो इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई थी ओरिजिनली 2018 में हुई थी तो 2018 में तीन साल के लिए करूं तो इनको 2021 में हो जाना चाहिए था आपका इस ऑफिस से हट जाना चाहिए था लेकिन उसके बाद कानून आया तो उनको यहां पर आगे एक्सटेंशन मिला और फिर से इनको एक्सटेंशन यहां पर कर दिया गया और अब एक साल के लिए फर्दर एक्सटेंशन किया गया तो यानी कि टोटल पांच साल जब हो जाएंगे तभी ये अपने ऑफिस से हमारे पर होंगे तो ये फिलहाल एक बार फिर से कंटिन्यू रहेंगे एनफोर्समेंट डायरेक्टर के ऑफिस पे एनफोर्समेंट डायरेक्टर के चीफ रहेंगे नाम है इनका संजय कुमार मिश्रा जी सो so, मिश्रा साहब रहेंगे यहाँ पर आपके और ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम होता है बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग या फिर कह लीजिए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए जितने भी केसेस हैं उनको देखना उनको सुलझाना उनको समझना जो बड़े केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग ऑब्वियस है होती है बहुत बड़े लेवल पे होती है है ना तो हाल ही में एक बड़ा फेमस केस जो एनफोर्समेंट डायरेक्ट्रेट के द्वारा हैंडल किया जा रहा है उम्मीद करता हूँ आपने वैसे तो करंट अफेयर्स और जो बर्निंग इश्यूज होते हैं उसमें आप बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं होते लेकिन कुछ ऐसी न्यूज होती है जो ना चाहते हुए भी आपको पता लग जाते हो और फिर उसमें इंटरेस्ट जगाते हो तो उन्हीं में ही एक न्यूज़ थी जो ईडी जो पीछे पड़ा हुआ था आपका एक बहुत ही फेमस हीरोइन है हमारे इंडिया की तो नहीं है श्रीलंका की है लेकिन इंडिया में यहाँ पर फिलहाल बहुत सारी मूवीज में कर चुकी हैं आपका प्ले रोल प्ले कर चुकी हैं तो उनके पीछे फिलहाल ईडी पड़ा हुआ है और एक बड़े फेमस गैंगस्टर हैं फिलहाल जेल में है है ना उन उनके साथ यहाँ पर आ, कुछ संबंध थे उनके लिए ठीक है ओके और आई होप कि आपको उनका नाम ज़रूर पता होगा उस हीरोइन का मुझे पूरी उम्मीद है आपसे है ना मैं अगर आपसे पाँच दिन बाद नाम पूछूंगा कि ईडी का नाम क्या है आपको ईडी का नाम आप में से पचास प्रतिशत जनता को नहीं याद रहेगा लेकिन मैं उस हीरोइन का नाम पूछूंगा तो आपको डेफिनेटली याद रहेगा और फिर छठे दिन आप में से बहुत सारे लोग मेरे से फिर पूछेंगे कि सर करंट अफेयर्स याद नहीं होती है अब करंट अफेयर्स को याद नहीं करना पड़ता उसमें इंटरेस्ट जगाना पड़ता है आपको अब हीरोइन में इंटरेस्ट है तो आपको याद हो जाती है आपको संजय कुमार मिश्रा जी में इंटरेस्ट नहीं है तो कहाँ से याद होगी जब तक किसी चीज में एक पूरा इंटरेस्ट जगा के पूरा एक अच्छे से उसको समझ के याद नहीं करोगे तब तक कोई भी चीज लंबे समय तक याद नहीं होती है ना जैकलिन फर्नाडेस नाम लिख ही रहे हो आप लोग अब जैकलिन फर्नांडेस सबको याद है क्यों याद है आ, आप आप खुद सोचो खुद अपने आप से पूछो कि मुझे जैकलिन फर्नान्डिस का नाम क्यों याद है नहीं? मुझे संजय कुमार मिश्रा का नाम क्यों नहीं याद है आगे चलते हैं आ, कजाकिस्तान में इलेक्शन हुए और एक बार फिर से यहाँ पर कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कासिम ज़ोमात टोकाइव को ही रीअपॉइंट किया गया है री किया गया है ये आपका और जस्ट इसमें इतना ही न्यूज़ है कज़ाक के प्रेसिडेंट कसीम जोराट टोकाइव अपॉइंट किए गए हैं मेंबर आए हैं इंटरनेशनल कमेटी फॉर वेट एंड मेजर्स के यहां पर प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता डायरेक्टर है सीएसआईआर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इनको चुना गया है एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कमेटी ऑफ वेट्स एंड मेजर ओके इंटरनेशनल कमेटी है वेट्स एंड मेजर की इसमें यहां पर चुना गया है और ये ट्वेंटी जनरल है ऑन वेट्स एंड मेजर मीटिंग वॉज हेल्ड एट पैरिस फ्रांस पैरिस फ्रांस में ये मीटिंग हुई थी आपकी सत्ताईसवीं जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी आपकी यहां पर आपकी वेट्स एंड मेजर्स मीटिंग की प्रोफेसर अचंता इजंगदी 18 मेंबर्स उन 18 मेंबर्स में शामिल हैं जो कि अलग अलग कंट्री से यहां पर चुने गए थे और ये सातवें भारतीय बने हैं इस पर्टिकुलरली कमेटी के इस पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर इसमें जो पहले भारतीय बने थे जो इसके मेंबर बने थे उनका नाम था डॉक्टर के एस कृष्णम और जो लास्ट इंडियन जो इस पर चुने गए थे उनका नाम था प्रोफेसर ई एस आर गोपाल ठीक है और फिलहाल 64 मेंबर्स हैं जो 64 कंट्रीज जो है उसकी मेंबर्स हैं और इसमें यहां पर चार साल बाद यहां पर एक बार मुलाकात होती है फ्रांस में जहां इसका हेडक्वार्टर है एक सुप्रीम कमेटी है जहां काम करती है आपकी अथॉरिटी ऑफ जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स के और ये फैसला लेती है कुछ इन्हीं चीजों से जुड़े हुए है ना वेट्स एंड मेजर्स बार बार है ना किलो दो किलो पांच किलो है ना वो बोला सो यहां पर आपका नाम याद रख लेना वेणुगोपाल अचंता कौन है डायरेक्टर हैं आपके सी एस आई आर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के चुना गया है किसमें एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कमेटी फॉर वेट्स एंड मेजर्स का ये इंपॉर्टेंट है यहां पर आपका इनका नाम कौन सी कमेटी के चुने गए हैं इस कमेटी में टोटल कितनी कंट्रीज मेंबर हैं 64 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं आपकी सी जी की यहां पर और जो पहले भारतीय इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं अट्ठारह मेंबर्स हैं उनमें से एक मेंबर ये आए हैं और कौन से पहले इंडियन थे जो कि बने थे डॉक्टर के एस कृष्णम इस कमेटी में यहाँ पर पहले मेंबर के फॉर्म में चुने गए पहले भारतीय जो थे वो चुने गए थे ठीक है और प्रोफेसर ई एस आर गोपाल जो है उसके बाद, बाद में आए थे यानी कि इससे इनसे पहले जो आए थे ये आए थे और फिलहाल आपके अब बने हैं वेणुगोपाल अचंता जी ठीक है ओके अगली खबर बोब ईगर रिटर्निंग टू डिज्नी एट सीईओ फॉर दी टू ईयर्स डिज्नी के यहाँ पर सीईओ काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर डिज्नी के सीईओ रहे थे 2005 से 2020 के बीच में और इस दौरान डिज्नी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ की थी फिर इसके बाद यहाँ पर इन्होंने अपना जो जगह थी वो संभाल दिया था आपका बोब चेकपक को ओके okay, बॉब चेकपक यहाँ पर बने थे आपके सीईओ फ़रवरी 2020 में आ, उनके साथ ही ये कुछ टाइम तक रहे थे कुछ टाइम तक बने रहे थे उनको सारा काम वाम संभाला और फिर 2021 से बिल्कुल दरकिनार हो गए डिज्नी से लेकिन अब फिर से डिज्नी में ने इनको वापस बुला लिया है और ये है आपके नाम है रोबर्ट एगर बॉब ईगर इनको कहते हैं तो इनको वहाँ से वापस से सी बना दिया गया है डिजनी का डिज़नी है ना दैट इज सीईओ नाम है बॉब इगर या फिर इगर एगर uh, अगला है आपका एक अवार्ड से नेशनल स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021 हजार नेशनल स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 यहां पर दिए गए हैं और ये टोटल दिए गए 39 स्कूल्स को 39 स्कूल्स को यहां पर ये यह स्वच्छता पुरस्कार दिया गया है यहां पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार और ये स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार इनको दिया गया है इन कैटेगरीज इन कैटेगरीज या कह लीजिए इन पैरामीटर्स के बेसिस पर वाटर सैनिटेशन पीने का पानी सैनिटेशन कैसा है वहां पर हैंड वॉशिंग ऑपरेशन मेंटेनेंस बिहेवियर चेंज कैपेसिटी बिल्डिंग प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स कोविड नाइनटीन से संबंधित इन सभी चीजों को में रखते हुए पूरे इंडिया से कुछ स्कूल्स को यहां पर चुना गया है कुछ अवार्ड्स दिए गए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन डॉक्टर सुभाष सरकार जी ने इस अवार्ड्स को यहां पर हाल ही में न्यू दिल्ली में दिया जिसमें से 28 आपके गवर्नमेंट और एडेड स्कूल हैं और 11 आपके प्राइवेट स्कूल्स हैं आपके ठीक है तो टोटल बनता है आपका 39 28 और 11 39 सो ये है आपका 39 स्कूल स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार यहां पर इनको दिया गया ओके थर्टी नाइन स्कूल स्वच्छ पुरस्कार इनको यहाँ पर दिया गया है सो एग्ज़ाम पॉइंट से यहाँ पर क्वेश्चन आपका नोटल नंबर ऑफ स्कूल्स पूछे जा सकते हैं थर्टी नाइन स्कूल्स है ना कितने उसमें से गवर्नमेंट एडिड है गवर्नमेंट या एडिड स्कूल है आपके अट्ठाईस हैं और ग्यारह प्राइवेट है बस इसमें इतना ही याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसमें यहाँ पर इन्वॉल्व है ओके स्कूल्स कहाँ पर हैं कैसे हैं बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा है ना इतना याद कर, रख नहीं पाओगे तो वो नाम वाम मैंने नहीं दिए हैं थोड़ा अटक अटक के चल रहा है लेकिन आई थिंक आवाज सही आ रही होगी मेरी ठीक है ओके आ, ये हो गया ठीक है खालिद जावेद विंस बाईस जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर सो जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर यहां पर दिया गया आपका किसको खालिद जावेद को जेसीबी वो मत समझ लेना जो जेसीबी आप खुदाई जिसकी देखते हो है ना काफी बार ये एक मीम सा फेमस भी हुआ जेसीबी की खुदाई तो वो चीज़ नहीं है तो ये है जे सी बी प्राइज़ फॉर लिटरेचर और ये पीछे मेरे इंसान एक देख रहे हो इनको यहाँ पर इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है सो जे सी बी अवार्ड फॉर लिटरेचर ऑथर खालिद जवेद द पैराडाइज ऑफ फूड ट्रांसलेटेड बाय बैरन फारूकी फ्रॉम उर्दू वो द फिफ्थ जे सी बी प्राइज़ फॉर लिटरेचर और इनकी जो बुक थी वो ओरिजिनली नीमकथ खाना दो हज़ार चौदह में की गई थी और ये ट्रांसलेशन थी उसकी ये द पैराडाइज ऑफ़ फ़ूड यहाँ पर उर, उनको यहाँ पर उर्दू से ट्रांसलेट की गई थी यहाँ पर और इसी को प्राइज़ दिया गया अवार्ड दिया जाता है जेसीबी लिटरेचर फाउंडेशन के द्वारा 2018 में इस अवार्ड को शुरुआत की गई थी इसको देने तो नाम याद रख लेना खालिद जावेद का नाम उनकी बुक का नाम और ओरिजिनली इस बुक का नाम क्या था ये भी याद रखना है सुधाथर खालिद जावेद है पैराडाइज ऑफ़ फ़ूड उनकी बुक का नाम है और ट्रांसलेट हुई है नीमत खाना से नीमत खाना नाम की बुक से ट्रांसलेट की गई है आपकी पैराडाइज ऑफ फूड ठीक है अगली खबर आती हुई आपके मेरे पीछे एक चेहरा है इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका नाम भी आप बहुत अच्छे से ऑलरेडी जानते होंगे ठीक है सो so ये हैं आपके चिरंजीवी जी बहुत ही फेमस एक तेलुगु एक्टर हैं आपके और बहुत सारी मूवीज में ये काम भी कर चुके हैं अब तक और इनको बहुत सारे सम्मान भी दिया जा चुके हैं और ये हमारे देश के टूरिज्म मिनिस्टर भी रह चुके हैं 2012 और 2014 के बीच में और इन्हीं को अब फिलहाल ईफ़ी जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में हो रहा है जिसके ऊपर मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ भी कराई थी आ, कुछ चीज़ें मैंने उसमें ऑलरेडी आपको कवर करवा दी और भी जो अपडेट होंगे अभी चल ही रहा है जब एंड होगा ये तो और भी बहुत सारी चीज़ें अपडेट होंगी तो उसी में एक चीज़ जो आई है आपके सामने वो आई है ईफी ने इनको सम्मानित किया है आपका इनकी ओपनिंग सेरामनी में विद द इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर दो हज़ार अवार्ड से सो so, ये चिरंजीवी जी जो है इनको सम्मानित किया गया 2006 में इनको पद्म भूषण दिया गया था जो कि इंडिया का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है यहाँ पर आपका एंड आंध्र यूनिवर्सिटी से यहाँ पर ये डॉक्टरेट भी इनको दी जा चुकी है डॉक्टरेट भी है यानी कि डॉक्टर चिरंजीवी हम कह सकते हैं ना तो फिफ्टी थर्ड ई दो चिरंजीवी ऑनर्ड विद द इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड बस सिंपल सा ईफी कहाँ हो रहा है गोवा में हो रहा है अनुराग सिंह ठाकुर जी हमारे देश के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग उन्होंने इस अवार्ड की घोषणा की उन्होंने इस अवार्ड को प्रेजेंट किया चिरंजीवी को तेलुगु एक्टर है आपके ये 2023 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड यहां पर दिया गया है और ये अनुराज अंग, खिलान जी को यहाँ पर ये यह प्रेजेंट किया गया है पेडिट्रिशियन है इंडियन डेसेंट से हैं यहाँ पर इंडियन ओरिजन है 2023 विक्टोरियन ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है उन्होंने उस एरिया में यहाँ पर हेल्थ केयर फील्ड में यहाँ पर काफ़ी अच्छी लोगों को एक प्रोवाइड की थी अवेयरनेस तो इसी के लिए नाम दिया गया अंगराज खिलियन को यहां पर विक्टोरिया ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड सो so, डायरेक्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन 2023 ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर किसको दिया गया अंगराज खिलन को यह सम्मान दिया गया है ठीक है ओके हार्पर कॉलेंस बना है पब्लिशर ऑफ द ईयर 2022 सो पब्लिशर ऑफ द ईयर 2022 पांचवी बार कंटिन्यू कंटिन्यू तो नहीं कहूँगा पिछले साल बना तो उससे पहले बीच बीच में रुक रुक के बना था खैर पांच बार बन चुका है ये इसको दिया जा चुका पब्लिशर ऑफ द ईयर और इस बार भी हार्पर कॉलेंस पब्लिशर इंडिया ने ही जीता है यहां पर पब्लिशर ऑफ द ईयर एट द टाटा लिटरेचर लाइव ओके okay, टाटा लिटरेचर लाइव द मुंबई लिट फेस्ट वॉज हेल्ड एट टाटा थिएटर नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स मुंबई में सो मुंबई में यहाँ पर यह सम्मान जीता गया यहाँ पर आपका बुक द मैप एंड दीजर लाइव बुक ऑफ द ईयर दो हजार बाईसेंट अक्रॉस जर्नर फॉर बोथ एस्टेब्लिश एंड दू राइटर हार्पर कॉलेंस इंडिया जीता पब्लिशर ऑफ द ईयर दो हजार बाईसिशर ऑफ द ईयर दो हजार बाईस यहां पर जीता गया है किसके द्वारा हार्पर कॉलेंस इंडिया इनके द्वारा यहाँ पर आपका जीता गया हार्पर कॉलेज पब्लिशर्स इंडिया के द्वारा मुंबई में यह इवेंट आपका हुआ था सुमित्र चरत राम अवॉर्ड यहां पर सुमित्रा चरत चारत अवार्ड ये है कथक डांसर उमा शर्मा जी उमा शर्मा जी को यह सम्मान दिया गया है आपका ये अवार्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस और ये दिया गया है यहाँ पर आपका श्रीराम भारतीय कला केंद्र न्यू दिल्ली के द्वारा वहां पर यह सम्मान किया गया ये क्लासिकल डांसर हैं इनको पद्म भूषण भी दिया जा चुका है 2001 में सो एग्जाम पॉइंट से नाम ही पूछा जाएगा आपका कथक सिंगर कथक सॉरी कथक डांसर सॉरी 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 कथक डांसर उमा शर्मा को अवार्ड मिला है आपका सुमित्र चरत राम अवार्ड एक बुक आई है द वर्ल्ड फैमिली हिस्ट्री ऑथर्ड बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियन सिमोन सेबाग सिमोन सेबाग मोन्टिफायर ने यहां पर एक बुक लिखी है द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री बिगिंस विद द स्टोरी ऑफ फैमिली सम नाइन लैख फिफ्टी थाउजेंड ईय नौ लाख पचास हजार साल पुरानी ये कहानी बड़ी हमें है सुनानी ये कुछ और बुक्स इनके द्वारा लिखी गई हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट नाम याद रख लो द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है सिमोन सिबाक के द्वारा ये बुक आपकी लिखी गई है एक और बुक आई है बुक नालंदा अंटिल वु मीट अगेन ये बुक, बुक यहाँ पर रस्किन बोर्न के द्वारा रिलीज की रस्किन बोन्ड आप देख सकते हैं पीछे मेरे गौतम बोरा ने लॉन्च किया उनकी नई बुक नालंदा अंटिल वी मीट अगेन नालंदा अंटिल वी मीट अगेन एक बुक है जो कि एक लव स्टोरी पर आधारित है यहाँ पर आपका नालंदा की बात कर रहे हैं है ना नालंदा एक यूनिवर्सिटी भी थी है ना उसी पृष्ठभूमि पर आधारित यहाँ पर नालंदा एंड uh, बुक नालंदा नालंदा अंटिल वी मीट अगेन बाय द गौतम बोहरा कुलदीप यादव को अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेडर ऑफ द रियल ग्यारह रियल ग्यारह एक ऑनलाइन गेम है है ना जिस तरह से ड्रीम इलेवन है उसी तरह से रियल इलेवन एक गेम है ऑनलाइन ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है यहाँ पर आपका और कुलदीप यादव की अगर बात करें तो पहली बार ये चर्चा में तब आए थे जब 2014 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में इन्होंने हैट्रिक ली थी हैट्रिक मतलब तीन बॉलों में तीन आउट कर देना तीन विकेट्स ले लेना अगर जिसको नहीं मालूम तो हैट्रिक का मतलब ये होता है और ये पहले इंडियन बॉलर बने थे ऐसा करने वाले इस लेवल के टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप में ओके सो ये है कुलदीप यादव जी इनको अपॉइंट किया गया है एज दी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द रियल इलेवन गेम Racing, एक बार फिर से ने, इस बार में जो फॉर्मूला और ये उनके पंद्रह टाइटल है इस सीजन का 2022 में जितने भी टाइटल्स हुए हैं उसमें ये पंद्रहवा टाइटल है किनका मैक्स वर्स्टमैन का और ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग है क्योंकि इन्होंने इससे पहले रिकॉर्ड तोड़ा है आपका तेरह रेस विक्ट्रीज एक सीजन में जीती थी आपके किसने माइकल शुमाकर ने दो में और सबिस्टिन विटल ने दो में लेकिन उन सबके रिकॉर्ड को ब्रेक करके पंद्रहवीं बार यहाँ पर आपका सब ये बने हैं आपके आ, मैक्स वर्सपैन और ये बिलोंग करते हैं रेडबुल से आबूधाबी में हाल ही में ये इवेंट हो रहा था फिफ्टींथ टाइटल ऑफ 2022 सीजन का आबूधाबी यू दैट इज फॉर्मूला वन चैंपियन ये पिछले इस सीजन में जितने भी यहाँ पर इवेंट्स हुए हैं उन सब में जिन जिन्होंने जिन ये अवॉर्ड जिन जिन्होंने ये जीता है ओके okay. वेटर्न पंजाबी एक्ट्रेस दलजीत कौर खंगूरा इनका हाल ही में निधन हो गया दलजीत कौर पंजाबी मूवीज़ में काम करते थे इंडियन मूवीज़ में भी काम कर चुके तकरीबन दस मूवीज़ में सत्तर पंजाबी फिल्म्स में काम कर चुकी हैं दलजीत कौर इनका कैरियर शुरुआत हुआ था इनकी पहली मूवी थी दाज नाम की और अब इनका निधन हो गया मेरे पीछे आप पिक्चर देख सकते हो अगर आप पंजाबी मूवीज़ देखते हो तो शायद आपने किसी ना किसी मूवी में इनको डेफिनेटली देखा होगा ठीक है पुरानी मूवीज़ में वेटरन पंजाबी एक्टर दलजीत कौर खंग खंगूरा पासज अवे वर्ल्ड टेलीविजन डे यहां पर ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर 21 नवंबर को फर्स्ट वर्ल्ड टेलीविजन फोरम 1996 में हुई थी उसी में डिसीजन लिया गया था यहां पर टेलीविजन डे को ऑब्जर्व करने का वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को होता है यहां पर और इस बार की थीम है इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड एंड वर्ल्ड एंटरप्रीनरशिप डे उन्नीस नवंबर को होता है आपका महिलाओं के लिए महिलाओं का कंट्रीब्यूशन को देखने के लिए और इस बार जो कैंपेन है वो हैश टैग चूज वीमेन ये इस बार का कैंपेन का एक टैगलाइन कह लीजिए हैश दिया गया है उन्नीस नवंबर को वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे के फॉर्म में वर्ल्ड फिशरीज डे इक्कीस नवंबर को होता है ओके इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थी ओशन इकोसिस्टम वगैरह वगैरह फिशरीज से संबंधित वर्ल्ड फिशरी डे 21 नवंबर को एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे 20 नवंबर को आपका ऑब्जर्व किया जाता है अफ्रीका यूनाइटेड नेशंस अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे यानी कि अफ्रीकन नेशंस को जब यहां पर बढ़ावा दिया गया तो वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उसके बारे में यहां पर फोकस किया गया है अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे यहां पर आपका जस जब होता है तो उसी के अकॉर्डिंग अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन वीक भी आयोजित किया जाता है जो कि बीस से पच्चीस नवंबर के बीच में रहता है ठीक है और इसी वीक के दौरान यहां पर कमेमोरेटिव एक्टिविटीज अफ्रीकन यूनियन समिट भी आयोजित की गई जो कि 20 से 25 नवंबर के बीच में आयोजित की गई कहां पर नाइजर नाइमे नाइजर में लोकेशन इंपॉर्टेंट है पूछा जा सकता है अलग से क्वेश्चन कि अफ्रीकन यूनियन समिट जो है वो कहां पर आयोजित की गई है नाइमे नाइजर में आयोजित की गई है ठीक है ओके और थीम है इस बार की इंडस्ट्रियलाइजिंग अफ्रीका रिन्यूड कमिटमेंट टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन ये इसकी इस बार की थीम है ये थीम किस चीज की है थीम है थीम आपकी यहां पर इसकी इस इवेंट की ठीक है? है इस इवेंट की थीम है बाकी ये डे है ये वीक है और ये इवेंट की बात कर रहे हैं ठीक है बीस नवंबर को अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे वर्ल्ड फिशरीज डे अच्छा ये दोबारा आ गया आई थिंग ना चलो इस अच्छा हाँ यह था उसमें वर्ल्ड फिशरीज डे में यहां पर आपका इस बार एक अवार्ड्स दिए गए हैं ठीक है एक अवार्ड्स दिए गए और अवार्ड्स में यहां पर तीन कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए बेस्ट स्टेट बेस्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट स्टेट में जो इनलैंड है इनलैंड का मतलब जो चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है ना इनलैंड मतलब वो एरिया तो छत्तीसगढ़ बेस्ट स्टेट है एमपी फिशरीज फेडरेशन भोपाल मध्य प्रदेश बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट तंजोवर तमिलनाडु ने जो कि इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है फिशरीज सेक्टर में पर मछली पालन में मैरिन यानी कोस्टल एरियाज में कर्नाटका यहाँ पर है केरला स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन और आर नेलोर आंध्र प्रदेश में है हिली में हिमाचल प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया असम अपेक्स कोऑपरेटिव फिश मार्केटिंग इसमें है और उदलगुरी असम तो ये काफी इंपॉर्टेंट ठीक है फिशरीज सेक्टर से संबंधित ओके okay, मेरे दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का सेशन पसंद आया होगा आज का बैंकिंग वाला सेशन मैं अभी नहीं लूंगा ठीक है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम पर जब भी वो सेशन होगा डेफिनेटली होगा बट मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको अभी वो सेशन नहीं होगा अभी हम सीधा प्लस क्लास में ही मिलेंगे एडिटोरियल क्लास में ठीक है उसके बाद भी मैं देखूंगा शायद साढ़े बारह महीने लूंगा आज का सेशन बाद में लेटर ऑन लूंगा वो मैं और आज आपके लिए मैं एक स्पेशल क्लास लेकर आया हूँ रात को दस बजे तो हमारी एक स्पेशल क्लास होती है एम की वो तो है ही है ही ठीक है उसके कंटिन्यूटी में साढ़े दस बजे मैं एक और सेशन एक और क्लास लेकर आ रहा हूं और वो क्लास रहेगी आज की बैंकिंग अवेयरनेस के कैंपसीक्यूज स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के एम्पसीक्यूज आज रात को साढ़े दस बजे हमें छोटा सेशन रखेंगे बीस पच्चीस मिनट का उसमें करेंगे ठीक है तो उस सेशन में भी आना मत भूलेगा स्टेटिक बैंकिंग अवेयरनेस कैम्पीक्यू आई बी पी एस पी ओ मेन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ठीक है ओके और ध्यान रखिएगा अगर आप एस बी ए पी ओ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और या फिर किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अगले एक साल के लिए अगले साल के लिए तो आपके लिए यहाँ पर अनकेडमी प्लस की तरफ से एक बहुत ही अच्छा ऑफर फ़िलहाल आया है जो कि 25 तारीख यानी कल तक ही वैलिड है अगर आप अनकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं एक साल के लिए तो अभी आपको ट्वेंटी का डिस्काउंट उस पर दिया जा रहा है टेन परसेंट का डिस्काउंट ऑलरेडी आपका वहां पर दिखाई दे रहा है रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके लिए आपको कुछ भी करना नहीं है तो सेवन फोर टू फोर अमाउंट वहां पर दिखाई दे रही होगी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्लिक करके वहां पर सिलेक्ट कर लेना वहां पर प्लस आइकोनिक दिखाएगा तो प्लस को सिलेक्ट करोगे तो ये अमाउंट आपको दिखाई दे रही होगी इसके बाद अगर आपको ये अमाउंट चाहिए तो आपको कोड वहां पर पूछेगा तो वहां पर कोड लगा देना एस बी आई जीरो इस कोड को इस्तेमाल करके आपका जो प्राइस है वो सिक्स सिक्स एट वन हो जाएगा आपका एक साल के लिए आपकी तैयारी की टेंशन खत्म आप एक सिस्टमेटिक वे में अपनी तैयारी को बहुत ही बढ़िया तरीके से चैनलाइज आगे कर सकते हैं सभी सब सब्जेक्ट्स के वहां पर एजुकेटर्स आपके लिए अवेलेबल हैं इंक्लूडिंग मी मेरा भी एक नया कोर्स एक तारीख से बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का शुरू हो रहा है एक दिसंबर को और एक पूरा पूरा एस बी आई पी से संबंधित एक बैच आ रहा है जिसमें मैं होंगा अंकुश सर होंगे निमिषा मैम होंगी आशीष सर होंगे तो एक यूनिक सा बैच एस बी आई पी की तैयारी को और बेहतर करने के लिए आपकी आ रहा है तो अगर उस बैच को ज्वाइन करना है तो फिर आप अगर तीन महीने का लेना चाहते हो तो इस प्राइस पर तीन महीने का ले सकते हो ये प्राइस भी आपको तभी मिलेगा जब आप इस कोड को इस्तेमाल करोगे तो ये प्राइस आपको तभी मिल जाएगा तो दोनों में से जो आप अफोर्ड कर सको उसको यहां पर आप ले लीजिएगा तीन महीने का सब्सक्रिप्शन भी इस प्राइस पर है और मेरे अकॉर्डिंग मैं जो रिकमेंड करूंगा 20% ऑफ चल रहा है अमूमन ये ऑफ जो है थोड़े-थोड़े काफी समय बाद आता है तो इस टाइम मौका छूट ना जाए तो इसलिए ये अवेल कर लीजिएगा थैंक यू सो मच टेक केयर बबाए एंड मुलाकात करते हैं साढ़े ग्यारह बजे के अन अकेडमी प्लस क्लास में एडिटोरियल हम उसमें करते हैं फाइनेंशियल एडिटोरियल करते हैं और अगर आपके पास अन अकेडमी प्लस और अगर आप मेरी एडिटोरियल क्लास मिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ मिस करेंगे ये आपको कुछ दिन में अपने आप बिलीव होगा एक बार करके देखिए थैंक यू सो मच